सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं एक मेले पे, यहाँ पे 14 गॉडेस टेम्पल, मतलब चौथ देवोदा मंदिर। इस मेले को कहा जाता है, मतलब जो पूजा होता है उसको कहा जाता है खार्ची पूजा। तो यहाँ पे एक मेला होता है उस पूजा से रिलेटेड। तो अभी चलते हैं मेले पे, तो लेट्स गो, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो अगर आप लोगों को भोग लगाना है तो दो लाइन है, उस तरफ का लाइन है महिलाओं के लिए और इस तरफ का लाइन हमारे लिए, मतलब पुरुषों के लिए। तो देखिए हमारे लाइन पूरा खाली और महिलाओं का लाइन पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो पहला दिन जब पूजा होता है तो सारे, मतलब 14 भगवानों को ही यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे रख के पूजा दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने अपने घर वालों को ही फरका दिया, पता नहीं किधर चले गए। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, उस तरफ है मेरे घर वाले, तो अभी घूम के उस तरफ जाना होगा मुझे। तो पहले दिन की पूजा के बाद सारे के सारे भगवानों को यहाँ रखा जाता है, मतलब 14 के 14 भगवानों को यही रखा जाता है। अगर आपका कोई विशेष हो तो कमेंट में ब्लू हार्ट ज़रूर से ड्रॉप कर देना। तो अभी मैं भगवान के दर्शन के बाद फूड ब्लॉगर बन गया, अभी मैं खा रहा हूँ मसाला सोडा। इसके बाद भी मैंने अगरम तिगरम बहुत कुछ खाया है। तो मसाला सोडा खाने के बाद मैंने खाया चाउमीन के बाद, अभी रुको शुरू हुआ है सिर्फ अभी। चाउमीन को लपेटने के बाद मेरे पास आ गया एग रोल, एक नहीं दो खाया है मैंने। तो इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं पान खाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे मेरा लास्ट वाला एक्सपीरियंस याद आ गया, तो मैंने पान को स्किप कर दिया, मैंने नहीं खाया। इतना कुछ खा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन पता नहीं कल सुबह क्या निकलेगा। तो वैसे ये बुढ़ी के बाल है, ये भी खाया था। अच्छा, बाकी बातें बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज़ है। ये ऐसा चीज़ मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया, जलेबी तो खाया था लेकिन ये कभी नहीं खाया मैंने आज से पहले। उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत खाना हो गया, अब थोड़े राइड्स पे चढ़ने की बारी, तो थोड़ा राइड्स पे चढ़ते, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़, बाप रे बाप जी, मतलब सारे पूरा त्रिपुरा के लोग यही आ गए क्या? इतना ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा भीड़, क्या बताऊँ। यहाँ पे मैं कैंडल रख जाता अगर थोड़ी देर और रहता। यार यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है क्या, क्या बताऊँ यार, मैं पूरा पसीने से भीग चुका था यहाँ पे, घर जाना है। तो इतना गर्मी सह करने के बाद मैं आ गया कोला खाने, क्योंकि मुझसे और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा था यार। अब मुझे कोई ठंडा चीज़ चाहिए था, मुझे अपने आप को ठंडा करने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भीग चुका था पसीने से। तो अभी खाने के बारे में कोला कुछ ऐसे तैयार कर रहे हैं, नमक वमक और भी बहुत कुछ दे के। तो अभी भैया ये मेरे वाले बना रहे, तो मुझे सिर्फ एक ही टेंशन है, कल सुबह ये सब कलर ना निकले बस। तो वैसे तो खाने में बहुत टेस्टी था, नो डाउट, ठीक है। ये 30 रुपये का एक है, तो काफ़ी टेस्टी है, उस पर पैसे वसूलते। तो इसे देखने के बाद मुझे एक गाना याद आ रहा है कि रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, क्योंकि देखो यार इसमें कितने सारे कलर्स है। तो इसके बाद भी हमारे ये खाने वाला सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था, ये आमड़ा ये भी खाया था, काफ़ी टेस्टी। आई होप कि आप कुछ बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमने खाया था, इसे शायद कुछ मिक्स कुछ कहते होगा, तो ये भी काफ़ी टेस्टी था, एकदम A1, काफ़ी टेस्टी था, ये भी खाया था हमने। तो पूरा मेला घूमने के बाद मैंने सिर्फ खाने के अलावा ये एक ही चीज़ खरीदा है, तो ये एक बेसिकली एक मोबाइल स्टैंड है, क्योंकि मैं सारा दिन बिस्तर पे लेटा रहता हूँ, मोबाइल ही देखता रहता हूँ, तो काफ़ी काम में आने वाला ये मेरा। तो 2 घंटे के धक्का मुक्की के बाद और मेला का आधा खाना खाने के बाद मैं जा रहा हूँ वापस घर, बहुत थक चुका हूँ मैं, वीडियो एडिट करके वापस सोने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।